100 रन पहली बॉल, और पहली बॉल बाउंड्री के बाहर और हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद आदेश भाटी और कैच आउट, और ये तीसरी बॉल और एक और बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन। खैरपुर वर्सेज टिंकू फ्रॉम डेरी गांव के बीच स्कीम का मुकाबला, 7 ओवर में 100 रन बनाने बबलू खैरपुर को, 5 विकेट 6 फील्डर और 20,000 रुपए का सेट चलता हुआ। और पहली बॉल करेंगे टिंकू फ्रॉम डेरी गांव और बबलू खैरपुर बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। 7 ओवर में 100 रन पहली बॉल, और पहली बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन पहली बॉल और पहला छक्का। दूसरी बॉल करेंगे टिंकू, बल्लेबाजी के लिए तैयार है बबलू, दूसरी बॉल और हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद आदेश भाटी और कैच आउट, और पहला विकेट आउट हो चुके हैं बबलू खैरपुर। 2 बॉलों पर 1 छक्का और पहला विकेट, काफी अच्छी रनिंग कैच लेते हुए आदेश भाटी। आदेश भाटी फ्रॉम चौगानपुर, काफी अच्छी कैच पकड़ी, और ये तीसरी बॉल और एक और बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन। 3 बॉलों पर 2 छक्के और 1 विकेट आउट हो चुका है। 7 ओवर में 100 रन बनाने हैं बबलू खैरपुर को, और 20,000 रुपए का सेट चलता हुआ। हबीबपुर पार्क में ये मुकाबला खेला जाता हुआ। चौथी बॉल और बबलू ने उसको उठा दिया है एक और तरफ लेग स्टंप पर, काफी बेहतरीन शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। 4 बॉलों पर 1 विकेट और 3 छक्के लग चुके हैं अब तक। पांचवी बॉल करेंगे टिंकू, काफी अच्छी बॉल और ये डॉट बॉल, 5 बॉलों पर 18 रन हो चुके हैं अब तक। और ये पहले ओवर की 6ठी बॉल और बबलू ने इसको उठा दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। और अपने दोस्त ईसु फ्रॉम उरैया भी मुकाबले को देखते हुए, ईसु फ्रॉम उरैया को चीता ही कह देते हैं, 1 ओवर में 1 विकेट और 4 छक्के मार चुके हैं बबलू खैरपुर। और अपने भाई बल्लेबाजी के लिए तैयारी करते हुए, और इन सभी को भी चीता ही कह देते हैं अपने दोस्त और अपना मित्र आता हुआ। और काफी तगड़ा ग्राउंड ये हबीबपुर का पार्क, पहले ओवर में 1 विकेट और 4 छक्के, और अपने दोस्त डॉक्टर साहब भी आते हुए मुकाबले को देखने के लिए। बबलू खैरपुर की फैन फॉलोइंग काफी तकड़ी है क्षेत्र में, और अब नेशनल लेवल पे भी अपनी पहचान बनाते हुए बबलू खैरपुर। और ये 7वीं बॉल और काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल टिंकू द्वारा, 7वीं बॉल और डॉट। दूसरे ओवर की 2री बॉल और बॉल जा रही है ग्राउंड ली, और सामने फील्डर मौजूद है, बॉल डॉट। 8 बॉलों पर 4 छक्के लग चुके हैं अब तक। 3री बॉल काफी अच्छी बॉल, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं है, और 6 रन का इशारा करते हुए ईसु फ्रॉम ओरैया, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रन। 10 बॉल हो चुकी है और 28 रन, इससे पिछली बॉल डॉट हो चुकी है। 10 बॉल और 28 रन, 1 विकेट आउट हो चुके हैं बबलू खैरपुर। और टिंकू बॉलिंग करेंगे 11वीं बॉल और काफी बेहतरीन शॉट बबलू खैरपुर द्वारा, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रन। 11वीं बॉल पर ये 5 छक्के हो चुके हैं और 1 चौका लग चुका है अब तक। और ये दूसरे ओवर की अंतिम बॉल और बबलू ने इसको भी उठा दिया है लेग स्टंप की तरफ, एक और बार छक्का, और बबलू खैरपुर ने सिस्टम ही हिला दिया, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6। 2 ओवर में 6 छक्के लग चुके हैं और 1 चौका लग चुका है। और अब तीसरा ओवर शुरू होने वाला है, बल्लेबाजी के लिए तैयार है बबलू खैरपुर। 6 छक्के 1 चौका लग चुका है। 7 ओवर में 100 का टारगेट और काफी अच्छी बॉल थी सिलो टाइप, और ये एक और ये डॉट बॉल हो चुकी है। 13 बॉल 40 रन बना चुके हैं बबलू खैरपुर। और 14वीं बॉल मुकाबले की, काफी अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल देते हुए बाद अगली बॉल, काफी अच्छी बॉल। 14 बॉल हो चुकी हैं और स्कोर अभी 40 रन है। 14 बॉलों पर 40 रन, 1 विकेट खो चुके हैं बबलू खैरपुर। 7 ओवर में 100 रन बनाने हैं, 100 का टारगेट। 15वीं बॉल और लो यॉर्कर, काफी अच्छी बॉल,
फील्डर उसके पीछे मौजूद है और बॉल डॉट, 15 बॉल 40 रन और ये 16वीं बॉल, काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल, 16 बॉल 40 रन। 17वीं बॉल मुकाबले की टिंकू और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर उसके पीछे देखते क्या होता है और ये 17वीं बॉल भी डॉट, लगातार 5 बॉल डॉट हो चुकी है, 40 ही रन है अभी और ये 30 ओवर की 6ठी बॉल करेंगे। काफी अच्छी बॉल, दिमाग के साथ बॉलिंग करते हुए टिंकू फ्रॉम डेरिन गाम, 3 ओवर में 40 रन ही बना पाए हैं बबलू खैरपुर, अभी मैडन ओवर डाल दिया और अभी 4th ओवर शुरू होता हुआ। काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल और ये 20वीं बॉल करेंगे टिंकू, फील्डर उसके नीचे मौजूद हैं और काफी अच्छी कैच पकड़ी है और ये दूसरी बार आउट हो चुके हैं बबलू खैरपुर, 20 बॉल 40 रन, 2 विकेट आउट। एक और बॉल हवा में है, उसके नीचे फील्डर मौजूद है और एक और बार आउट बबलू खैरपुर, 3 बार आउट हो चुके हैं, 42 रन तो 40 तो 2 ओवर में मार दिए लेकिन 8 बॉल लगातार डॉट। और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर काफी दूर, 6 रन, 22 बॉल हो चुकी हैं और 46 रन, एक और छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, स्कोर 52 रन हो चुका है, 23 बॉल 52 रन। और यहां पर काफी गर्मी होती हुई हबीबपुर के पार्क में, मुकाबला काफी तगड़ा चलता हुआ और ये 24वीं बॉल करेंगे टिंकू, 4th ओवर 52 रन, 3 विकेट बबलू खैरपुर आउट। लो फुल टॉस, फील्डर उसके नीचे मौजूद नहीं है लेकिन रोक पाएगा और फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग, 2 बॉलों की वीडियो नहीं बनाई है, उसमें 1 बॉल डॉट थी और 1 पर छक्का, 16 बॉलों पर 42 रन। बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और एक और छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, 15 बॉलों पर अब 36 रन की आवश्यकता है और 2-3 विकेट हो चुके हैं, 15 बॉलों पर 36 रन की आवश्यकता है बबलू खैरपुर को, 15 बॉलों पर 36 रन और एक और छक्का, काफी तगड़ा छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, मात्र अब 14 बॉलों पर 5 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए बबलू खैरपुर को, काफी तगड़ा रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, लगातार 2 विकेट हो चुके थे और उसके बाद वापसी करते हुए बबलू खैरपुर, मानो और जो बॉल खेल गए तो मैच को खत्म ही कर डालेंगे। जीवन में है संघर्ष जारी, देखते हैं आज कौन है किस पर भारी, मुकाबला चलता हुआ हबीबपुर के पार्क में, टिंकू बॉलिंग के लिए तैयार है और बबलू खैरपुर बल्लेबाजी के लिए तैयार है। एक और छक्का फुल टॉस बॉल और काफी लंबा छक्का बबलू खैरपुर द्वारा, काफी दूर गई बॉल और 11 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए और अपने भाई मुकाबले को देखने के लिए आते हैं, काफी तगड़े हमारे फैन है जो वीडियो को पूरा देखते हैं, भाइयों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी कमेंट करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ और ये हबीबपुर के पार्क में बबलू खैरपुर को मात्र 11 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। बॉलिंग करते हुए टिंकू फ्रॉम डेरीगाम और बबलू खैरपुर और पप्पी फ्रॉम गाजियाबाद एम्पायरिंग की जिम्मेवारी लेते हुए और ये लो फुल लो और कर बॉल और ये डॉट बॉल, 2 ओवर में 24 रन चाहिए और ये अब तक का सबसे बेहतरीन शॉट, बॉल लगी जाकर गाड़ी में और ये 6 रन। हाँ यही है और चीता ही कह देते हैं बबलू खैरपुर को और ये मुकाबले में अब 11 बॉलों पर 3 छक्के चाहिए बबलू खैरपुर को मैच जीतने के लिए, ₹20,000 का शेयर चलता हुआ, 11 बॉलों पर मात्र 3 छक्के टिंकू और एक और छक्का, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन, चीता ही कह देते बबलू खैरपुर को, सिट्टा में हिला दिया, बैक टू बैक छक्के पे छक्के मारते हुए और अब 10 बॉलों पर मात्र 2 छक्के चाहिए
बबलू खैरपुर को 10 बोलों पर 2 ही छक्के। मुकाबला काफी एक तरफा हो गया था बीच में और एक तरफा कर दिया बबलू खैरपुर ने। 10 बोलों पर 2 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। काफी अच्छी बॉलिंग और सम्मान के साथ उसको धकेल दिया डॉट बॉल। जब से गेंद फेंकना रहा फुल टॉस देके लगातार 3-4 छक्के लगवा और मुकाबले को देखते हुए काफी दर्शक और ग्राउंड में और 9 बॉलों पर 2 छक्के और एक और छक्का बबलू खैरपुर द्वारा। बोल गई बाउंड्री के बाहर, चीता ही कह देते हैं बबलू खैरपुर को। और अपने भाई जो भी कमेंट करते हैं वे भी किसी चीता से कम नहीं है। और अब 8 बोलों पर 1 ही छक्का चाहिए बबलू खैरपुर को। मुकाबला काफी तकड़ा होता हुआ और एक तरफा ही कर डाला अब तो बबलू खैरपुर ने मुकाबले को। 8 बोलों पर 1 ही छक्का चाहिए मैच को जीतने के लिए बबलू खैरपुर को। काफी अच्छी बॉल और सम्मान के साथ उसको धकेल दिया डॉट बॉल। काफी तकड़ा मुकाबला चलता हुआ 7 बोलों पर 1 ही छक्का चाहिए मैच को जीतने के लिए। और ये बॉल करते हुए टिंकू उठा दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद नहीं है बटलर। और बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रन और बबलू खैरपुर मुकाबले को जीत चुके हैं। 1 ओवर पहले ही मैच को समाप्त कर दिया और दर्शकों में काफी खुशी का माहौल, जो कि बबलू खैरपुर को चीता ही कह देते हैं। और बबलू ने सिस्टम ही हिला दिया, एक ओवर पहले ही मैच को जिता दिया और मुकाबला समाप्त हो चुका है। स्कीम का मुकाबला था और बबलू खैरपुर ने सिस्टम ही हिला दिया और मुकाबला समाप्त। बबलू खैरपुर ने काफी एक तरफा ही मुकाबला कर दिया हबीबपुर के पार्क में। बबलू खैरपुर वर्सेस टिंकू फ्रॉम डेरीगाम के बीच मुकाबला चलता हुआ। और भाइयों वीडियो को पूरा देखिए और सभी का धन्यवाद। ईसु फ्रॉम ओरैया अपने दोस्त और अपने भाई आ चुके हैं गाजवा से, अंकित बढ़िया। और ईसु फ्रॉम ओरैया।